गाइस, तो पिछली वीडियो में हमने दिखाया था पानी से चलने वाला घराट, लेकिन अब हम आपको दिखा रहे हैं पानी से चलने वाली मशीन आरा, मतलब जो लकड़ी चीरने वाली मशीन है वो दिखा रहे हैं आपको, और साथ में हम दिखा रहे हैं आपको उन सिंचाई की मशीन। ये दोनों साथ में है, इंटरकनेक्टेड है ये दोनों। तो घराट भी है लेकिन वो उससे नीचे है। तो ये है लकड़ी चीरने वाली मशीन, आपको यहाँ से लकड़ी डालते हैं। ये है वो आ रहा, तो ये साइड से पानी जा रहा है, तो नीचे लगे हैं वो गर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर पानी गिरता है, तो जो प्रेशर से पानी गिरता है तो वो गर्ड घूमता है, तो उसकी घूमने से ये सारी जो लगे हैं ये भी घूमते हैं, घूमने से ये सारे कनेक्टेड है एक दूसरे में, तो ये भी घूमता है, तो इतना फास्ट घूमता है ये लकड़ी को, लकड़ी काट देता है ये आपको। तो ये इनके ये भाई साहब है इसके मालिक, तो इनके ये परदादे के टाइम पे आए थे, उनके टाइम का उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन ये सबसे पहले जो वो उधर थोड़ा पीछे लगाया गया था, लेकिन फ्लड आने के कारण जो वो 1995 में जब फ्लड आया था, तो उसके कारण जो वो ये बह गया था थोड़ा सा, तो फिर इन्होंने यहाँ पे शिफ्ट किया है ये। तो अब यहाँ पे आइए, अब हम इसकी वर्किंग देखेंगे कि कैसे काम करता है, थोड़ा चला के भी दिखेंगे हम आपको, तो देखते हैं। तो आइए गाइस, हम अब भाई से पूछते हैं कि ये एक्चुअल में काम कैसे करता है, हमने तो देख लिया सारा कुछ सिस्टम इसका, लेकिन अब लकड़ी की बारी है, तो देखते हैं भाई से पूछते हैं कि कैसे काम करता है, कहाँ से पानी आता है, किसके थ्रू होके जाता है और कैसे काम करता है, हमें बताइए। तो पहले तो नमस्कार मेरा सभी दर्शकों को, अब हम आपको इसकी पूरी कार्य प्रणाली। सबसे पहले ये है हमारा मेन पार्ट इसका, ये पानी इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। पानी को पहले सबसे पहले हमें दरिया से कितनी हाइट पे लाना पड़ता है कि वो एक टर्बाइन जितनी एक व्हील को घुमा सके, जिसके कारण जितने हाइट से ये पानी गिरेगा उतनी फोर्स बनेगी और उतना तेज और उतनी रफ्तार जो हमारे काम को मिलेगी। तो सबसे पहले इसका जो सबसे मेन पार्ट है ये है इसका, हम इसे अपनी जो बोली है उसमें बोलते हैं इसको छोप। तो इसे जब हम डाउन करेंगे इस प्रकार से, तो पानी नीचे से निकलेगा और पानी आगे, मैं आपको पानी के थोड़ा भाई को बोलूंगा कि आगे दिखाई इनको, लेकिन वो ये देखिए जैसे कि ऊपर से पानी आया, तो इसको इस प्रकार से पंखे टाइप पीस की जो है आकृति बनाई गई होती है, इसमें पक्षियां लगी होती हैं अलग अलग, जैसे उन पर पानी पड़ता है फोर्स से ऊपर से, तो ये घूमना स्टार्ट कर देता है। और इसके साथ हम इसे देश की भाषा में कहते हैं लोहे का लठ लगा होता है, या लोहे की पाइप लगी होती है, जो इसके साथ अंदर को आती है और अंदर एक अलग टायर को घुमा देती है, अलग टायर की तो उसे एक फटा होता है, एक हमने रबड़ का फटा बनाया होता है जिससे ये घूमना शुरू कर देती है, और उसके साथ सारे कनेक्शन जो होते हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं और ये एक दूसरे के साथ काम करना शुरू कर देते हैं। और उसके साथ हम बताएंगे कि हम नीचे से जैसे फटे थे ऊपर को घुमाव आया, तो ये सारे एक साथ कनेक्टेड होने के जिस फटे को हम लगाते जाएंगे वो एक साथ दूसरे टायर को घुमाना शुरू कर देगा। तो आइए अब हम बताते हैं आपको आरा वर्क कैसे करता है। यहाँ पे तो जैसे ये फटा आया इसने इस व्हील को घुमाया, ये हमारा ऑप्शनल व्हील है, इसे हम अंदर बाहर कर सकते हैं, अगर हम चाहे तो इसे घुमा सकते हैं अपनी मर्जी से, ना चाहे तो इसे बाहर रख सकते हैं जब हमें नहीं इसकी जरूरत है। तो हम बताएंगे, हम भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ी देर आप फिर से डाउन करें। देखिए आप जैसे ये छोप नीचे किए इन्होंने थोड़ा सा बस करिए, अब इससे ये सब कुछ शुरू हो गया। जैसे ही पटे को थोड़ा सा अंदर लेंगे तो उसके साथ ये वर्क करना शुरू कर देगा। इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है अपनी सेफ्टी, क्योंकि इसमें रिस्क भी होता है, तो इसलिए इसमें सेफ्टी रखना सबसे जरूरी है।
ये पटे वगैरह इतने पावरफुल हो सकते हैं जब इतना पानी छोड़ा जाता है कि ये किसी भी बंदे को अपनी लपेट में ले सकते हैं। तो इससे जितना दूर रहें या फिर ये कोई प्रोफेशनली काम ज्यादा कर सकते हैं, ऐसे कोई भी काम नहीं। धन्यवाद। ये हांड बोलते इसको लकड़ी को ऐसे घुमा के इसमें तो इस पर कोई भी डिजाइन निकाल सकते हैं इसके थ्रू। तो ये है इसका औजार, तो इसके थ्रू जब ये पट्टे के साथ कनेक्ट होता है ना तो ये इतनी फास्ट मूव करता है ना, ये इतना फास्ट बिल्ड करता है कि इसके थ्रू जब कष्ट हो जाती है। तो ये डिजाइन है जैसे मतलब टेबल के फ्लोर फिर टेबल का जो तो गाइस ये है ऊन सुनाई की मशीन, यहाँ से हम ऊन डालेंगे, यहाँ से ऊन अंदर जाएगी, यहाँ से जाती है गाइस, यहाँ से अंदर जाती है। तो ये देखो ये जो है ऊन को काट देता है, छोटा टुकड़े करता है ऊन के, और जो है ऊन जो है अंदर चल जाती है, और अंदर जाने के बाद ऊन जो है यहाँ से निकलती है गाइस, यहाँ से अंदर आएगी ऊन, मतलब बिल्कुल आपकी ऊन जो है रेडी होके आएगी। तो यहाँ से फिर निकाल के हम सप्लाई कर देते हैं आगे। ये है चीज़ छोटी आ रही, मैंने इन्होंने घुमावदार तरीके से लगाई हुई है इस तरह की, मतलब कितनी मेहनत लगती है गाइस देख लो यार, कैसी मशीन है। तो आपकी ऊन जो है रेडी होके निकलती है वहाँ पीछे। तो गाइस ये देखिए ग्राट कैसे वर्क करता है, अब हम वर्किंग ग्राट दिखाएंगे आपको। इसमें जो हम जो अपना अनाज लेके आते हैं मक्का गेहूँ, भाई सबसे पहले तो भैया स्पाई करें नीचे, क्योंकि जो आटा निकलेगा भाई वो यानी कि मिट्टी में मिक्स ना हो, कूड़ा करकट जो होता है उसको पहले तो साफ़ करेंगे, क्योंकि आटा जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं तो उसकी स्पाई का भाई विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी स्पाई करेंगे इससे पहले, सबसे पहले गाइस ये है ओटी, तो इसमें डालेंगे हम ये अपना मक्का, मक्की या कणक जो भी है, जो भी पिसवाना हो आटा जिसका भी चाहिए हो वो चीज़ डालेंगे इसमें ओटी में। और ये नीचे जो है वो घराट, ये पत्थर इतना बड़ा पत्थर जो है वो ये घूमेगा, तो इसके घूमने से जो वो ये आटा पीस के बाहर आ जाता है। देखिए गाइस इसमें डाल दिया हमने मक्का, जो मक्की डाल दी है डाल दिए इसे। तो देखिए गाइस अभी ग्राट को छोड़ेंगे, देखिए आ गया ये बर्की कर रहा है अभी। तो यहाँ नीचे से जो है ओटी से जो एक एक दाना दो दो दाने नीचे गिरते रहेंगे, और हमारा जो आटा यहाँ से बनकर जो है यहाँ पर नीचे आ जाएगा। देखिए गाइस आटा जो बन के नीचे आ रहा है, तो देख सकते हैं गाइस ऊपर से मक्की के दाने जो पड़ रहे हैं, अब जो है हमारा आटा जो बन के तैयार हो रहा है गाइस, देखिए आप। तो ऐसा वर्क करता है ट्रेडिशनल फोर मिल्स, जिसे बोलते हैं हम ग्राट। ये है भाई अपना पहाड़ी का ग्राट।
तो गाइस ऐसे वर्क करता अपना ग्राट। आप देख सकते कि एक दो दो दाने जो नीचे अपने आप गिर रहे हैं ग्राट में, और यहाँ से आटा निकल रहा है नीचे से उनके। ये अपना ट्रेडिशनल फॉर मिल्स जिसे कहते हैं, पहाड़ी भाषा में बोलते हैं ग्राट।